नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो गया है, अब इंतज़ार है 3 दिसंबर का जब मतगणना होगी। मतगणना को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी मतगणना की तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस को आशंका है कि मतगणना में भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को ज़्यादा बढ़ाया है और अब ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रही है। देखिए, पूरी पुख्ता तैयारी है मतगणना को लेकर। कोई भी किसी भी तरह का पक्षपात, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। मैंडेट बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जनता का जनादेश जो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारी लीगल टीम तैयार है, अभी इसे तैनात कर दी है कई जगह के ऊपर शिकायतों के निवारण के लिए। तुरंत जिस भी तरह की जो भी समस्या जहां पर भी आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। साथ में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह का गलत काम करता हुआ पाया गया उसकी उसी वक्त शिकायत की जाएगी और किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 26 नवंबर को कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल में बुलाया है। यहाँ पर सभी ये 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा ईवीएम की हर एक एक बारीकियों के बारे में, और ये भी बताया जाएगा कि अगर कहीं गड़बड़ी की आशंका होती है तो किस तरह से दावे आपत्ति करनी है और किस तरह से उसकी शिकायत करनी है। कांग्रेस ने इसको लेकर कुछ और तैयारियां भी की हैं, अपनी लीगल टीम को एक्टिव किया है और लगभग सभी जिलों में लीगल टीम को लगाया गया है। कहीं शिकायत मिलती है तो ये लीगल टीम भी पहुंचेगी और अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे और इन गड़बड़ियों की शिकायत करके रिकाउंटिंग कराएं। इसको लेकर कमलनाथ के हेलीकॉप्टर भी तैयार रहेंगे ताकि जल्द से जल्द समय में जो है भोपाल से वरिष्ठ नेता उन क्षेत्रों में पहुँच सके जहाँ पर मतगणना में कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो कांग्रेस ने ऐसी तैयारी की है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी देर रात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अध्यक्षों से चर्चा की है और मतगणना को लेकर समझाइश दी गई है कि कहीं अगर गड़बड़ी होती है तो उसको किस तरह से रोका जाए। भाजपा की भी इस तरह से तैयारी है कि कांग्रेस मतगणना में किसी विवाद की स्थिति को पैदा कर सकती है जिससे मतगणना प्रभावित हो। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है, उन सब विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। कानून अपने काम करता है भाई, मुझे क्या लेना। काउंटिंग है, बाकी सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में उत्साह के साथ जो लगे थे और काउंटिंग की तैयारी को लेकर के भी जुटेंगे। वैसे सामान्य जो विषय संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री जी लोग बैठे थे, तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक। हालांकि ये सबके अलग अलग तैयारी है, लेकिन ये जरूर है कि आप मतदान के बाद मतगणना की इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मतगणना के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार किसकी बनेगी। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।